हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं फ्रेंड्स APS इंटरव्यू के डाउट्स को लेकर, जिसमें हम मेनली बात करेंगे LSB एंड CSB एंड OSD एग्ज़ाम्स के बीच में क्या अंतर है, ये होता क्या है, क्या यहाँ पे हम परमानेंट हो सकते हैं, क्या स्कोर कार्ड के जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो सिलेक्शन में भी कोई फ़र्क पड़ता है, और लास्ट डाउट जो है दोस्तों अब जो बच्चों को आ रहा है कि क्या मैं एक से ज़्यादा स्कूल में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। सो ये आप लोगों के कमेंट्स थे दोस्तों, जो कमेंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो थोड़े बहुत सबके डाउट्स है दोस्तों मन में कि APS इंटरव्यू में क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस है, क्या परमानेंट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों का आता है कमेंट बॉक्स में कि क्या सर कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर परमानेंट बेस आपका है। तो ये सारे डाउट्स को मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर दूँगा, और होपफुली दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है दोस्तों आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपको सारी PDF वगैरह अवेलेबल करा दी जाती है। तो आज ही टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और इंटरव्यू को डाउट्स को क्लियर करते हैं। सो नाउ ये दोस्तों एक फॉर्मेट बनाया है छोटा सा मैंने, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, क्या इंटरव्यू में क्या होता है, कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्कोर कार्ड पर, के मार्क पर, इंटरव्यू नॉलेज पे, या फिर क्या होता है। तो सिंपल बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देर इज़ नो स्पेशल इन द इंटरव्यू, कुछ भी स्पेशल नहीं होता इंटरव्यू में। देर सिंपली आस योर इंट्रोडक्शन, सिंपली आपसे अपना आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, सम जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, दे ऑलवेज फोकस ऑन योर एटीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज, यू मस्ट फुलफिल द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे KVS का इंटरव्यू हो या फिर आपका APS का इंटरव्यू हो, सबसे पहली बात क्या देखते हैं दोस्तों, आपका एटीट्यूड और आपके सब्जेक्ट नॉलेज। सबसे जो प्रायोरिटी होती है दोस्तों APS स्कोर वालों की, वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर ही होती है, ना कि आपका स्कोर कार्ड। आप मान लो आपका स्कोर कार्ड में 50% है, जो दोस्तों आपको केवल एलिजिबल बनाता है APS स्कोर में इंटरव्यू अपेयर करने के लिए। तो इतनी बात ध्यान रखना दोस्तों कि इंटरव्यू में कोई खास नहीं, बस अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, आपके सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा दोस्तों मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें दोस्तों टॉप 5 क्वेश्चंस है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके एटीट्यूड से लेकर क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा फ्रेंड। अगर आपने दोस्तों वीडियो को देख लिया, तो आपके जो इंटरव्यू को लेकर जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्वेश्चन हैं, वो सारे दोस्तों हेजिटेशन दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट डाउट था दोस्तों, LSB CSB और OSD एग्ज़ाम्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स। ये दोस्तों केवल एग्ज़ाम्स के टाइप्स ध्यान रखिएगा, LSB एंड CSB। इन द LSB में क्या होता है दोस्तों, दे विल टेक योर इंटरव्यू एंड डेमो। केवल दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है और आपका डेमो कराया जाता है, नथिंग दैट हार्ड, जो कि हार्ड नहीं होता है। बट इन द CSB यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स इन विच इज़ ऑफ ग्रेड लेवल, जो कि ग्रेड लेवल का होता है। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था 20th February को, और 1st March को दोस्तों आपका रिजल्ट आया, तो वो आपका CSB के अंडर में आएगा। एंड कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट विल बी ऑल्सो टेकन, और साथ में दोस्तों CSB में आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट भी लिया जाता है, प्लस डेमो भी। सो इट इज़ टू हार्ड टू क्रैक दोस्तों, जो कि बहुत मुश्किल होता है। जैसे 50% आपको CSB के स्कोर कार्ड में दोस्तों आना ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। विद द प्रॉपर प्रिपरेशंस यू विल एबल टू गेट थ्रू इट। तो दोस्तों सिंपल से मतलब है, LSB का एग्ज़ाम जो होता है केवल डेमो और इंटरव्यू पर बेस्ड होता है, जो कि 1 साल के लिए होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है, जो कि CSB जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, जहाँ पे आपको OSD का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपका वही होता है दोस्तों, सेकेंड आपका होता है इंटरव्यू, फिर आपका होता है दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाता है, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलती है। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्या यहाँ पर जॉब परमानेंट होती है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स डिपेंड्स इफ़ यू आर देयर ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और परमानेंट बेसिस। ये डिपेंड करता है दोस्तों वहाँ की वैकेंसीज पे, कि वैकेंसी कैसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है या परमानेंट पे है। ऑल थ्रू नाउडेज एवरी टीचर्स हैज़ टू एंटर थ्रू द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। और आपको पता ही दोस्तों आजकल नॉर्मल है कि चाहे आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, आपको पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रखेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट होने का मौका देते हैं। प्लीज़ नोट देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, मैंने आपको बताया दोस्तों, LSB एंड CSB। LSB इज़ फॉर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द CSB इज़ फॉर 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों ये बता दिया था। अब PRT, TGT एंड PGT टीचर्स हैविंग BEd डिग्री गेट्स अराउंड अबव 35K वेयर दे अंडर थ्रू द LSB या CSB। चाहे आप किसी भी
एग्ज़ाम के थ्रू चाहें LSB या CSB, आपको दोस्तों इतनी सैलरी कम से कम मिलती है। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे हम परमानेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आर टीचर इन द आर्मी पब्लिक स्कूल्स इज हायर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो मोस्टली हायर करते हैं, दे दिस कॉन्ट्रैक्ट गेट रिन्यूज आफ्टर एवरी 3 ईयर। जो CSE एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं दोस्तों, आपको पता है हर 3 साल बाद क्या होता है, रिन्यूड होता है, यानी हर 3 साल बाद आपको रिन्यू किया जाएगा, आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट दी जाएगी। आर रिन्यूअल फेसिस यू कैन टेक 10 डेज ऑफ, 10 दिन की छुट्टी मिलती है उसमें, और वर्क एज पर योर विश, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप काम कर सकते हो। बट ऑन एडॉक टीचर इज़ गिवन परमानेंट स्टेटस। ध्यान रखिएगा, जो एडॉक होते हैं उनको परमानेंट स्टेटस दिया जाता है यदि इफ़ ई एन सी हैज़ वर्क इन द सेम स्कूल्स फॉर द 7 to 10 ईयर दैट अर्न्स अराउंड 3 कॉन्ट्रैक्ट सर्कल। तो मान लीजिए एडॉक जो टीचर होते हैं दोस्तों, मान लो 3 साल के, उन्होंने 3 कंटिन्यू सर्कल उन्होंने कम्प्लीट कर लिया, तब दोस्तों उनको परमानेंट कर दिया जाता है। सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द परमानेंट टीचर। और ये दोस्तों इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर परमानेंट टीचर की वैकेंसी है कि नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ बच जाता है दोस्तों, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।